नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यह नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, इस पर अपने विचार लिखिए। एक विद्यार्थी ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है कि इस विषय पर जो है अपने मत जो लिखना है वो लिखकर भेजिए मिस, तो आज मैंने ये लिखकर रखा हुआ है। देख लीजिए आप, इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्यावरण, यह शब्द परिधन आवरण इन दो शब्दों से मिलकर बना है ना। पर्यावरण इस शब्द को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, पहला है परि और दूसरा है आवरण। अब परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर का परिसर या फिर हमारे चारों ओर का वातावरण, और आवरण आवरण का अर्थ है जो हमें चारों तरफ से घेर कर रखे, यानी आवरण करके रखा है, जिसने हमें चारों तरफ से ढक कर रखा हुआ है। आवरण यानी क्या, किसी चीज़ का कवर है ना, तो ऐसा आवरण जिसने हमें चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। हमारे आसपास की प्रत्येक चीज़ हमें प्रभावित करती है, अर्थात मनुष्य को प्रभावित करती है, जो भी इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सबको प्रभावित करती है ना। तो यहाँ मनुष्य हम काट देते हैं, सभी को, प्रत्येक चीज़ हमें प्रभावित करती है और सभी को प्रभावित करती है। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वे सभी आपस में मिलकर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, ये पानी है, हवा है, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर संतुलन बनाए रखने का काम करती हैं। जल कौमा वायु कौमा पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों से मिलकर दुनिया का निर्माण हुआ है। अब इसमें पानी है, हवा है, पृथ्वी है, आकाश है और अग्नि है ना। यहाँ पर ये हवा की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, अग्नि। अग्नि यानी कि आग है ना। इन सब चीज़ों ने मिलकर जो है पांच तत्वों का निर्माण किया। ये पांच तत्व है जिससे मिलकर दुनिया का निर्माण हुआ है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। इससे परे कुछ भी नहीं है, और मनुष्य भी इन्हीं पंच तत्वों से ही उत्पन्न हुआ है। और मृत्यु के बाद भी क्या होता है, मनुष्य का शरीर इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो हम देखते हैं मनुष्य को पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ईश्वर ने सोचने समझने की शक्ति सिर्फ मानव जाति को ही प्रदान की है ना। हम जैसे सोच समझ सकते हैं, अच्छाई बुराई खुशी दुख वगैरह, तो ऐसा दूसरे जीव जंतु जितने भी है प्राणी हैं वो लोग नहीं समझ सकते। तो मनुष्य ने ये श्रेष्ठता सिर्फ हमें ही प्रदान की है, अतः हमारा सबसे परम कर्तव्य बनता है। यानी जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कर्तव्य हमारा बनता है कि पर्यावरण की रक्षा करना, उसे प्रदूषित और असंतुलित होने से बचाना। हमारा क्या कर्तव्य बनता है सबसे ज़्यादा, कि हम इस पर्यावरण को जो है प्रदूषित होने से असंतुलित होने से बचाए और इसमें इसको स्वच्छ रखने में संतुलित रखने में अपना सहयोग दे। परंतु हम देखते हैं कि इस भौतिकतावादी युग में मनुष्य सब कुछ भूलकर सिर्फ प्रदूषण में वृद्धि करता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर बिना सोचे समझे दोहन करना और जंगल काटना हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। यह हमें कहाँ ले जा रहा है, विनाश की ओर ले जा रहा है। जंगलों को काटना और सीमेंट के जंगलों का निर्माण करना हमारे पर्यावरण के चक्रों को बिगाड़ रहा है। यानी जिस तरीके से हम जंगलों को काट रहे हैं आज के समय में, और उसके स्थान पर सीमेंट के जंगल अर्थात बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, तो ये हमारे पर्यावरण के चक्रों को जो है बिगाड़ रहा है, जिससे आए दिन कहीं बहुत बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटने से, वनों को काटने से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना। इसके कारण जो है वाष्पीकरण नहीं हो पाता जल का, इसलिए कहीं पर तो जो है बारिश ही नहीं होती, और कहीं होती है तो इतनी ज़्यादा होती है कि बाढ़ आ जाती है, सुनामी आदि की मार हमें ही झेलनी पड़ रही है। जल स्रोत सूख रहे हैं, नदी तालाब कुएँ जो है वो सब सूखते चले जा रहे हैं। प्रकृति के गर्भ में उपस्थित पेट्रोल डीजल और खनिज तेल आदि का लगातार दोहन पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी प्रकृति के गर्भ में, यानी पृथ्वी के गर्भ के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर हम पाताल बोल सकते हैं, जैसे पृथ्वी के एकदम गहराई में जो है पेट्रोल डीजल खनिज तेल वगैरह ये सब पाए जाते हैं ना, खनिज, बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इनका निरंतर दोहन करना, यानी उनका उपयोग करना, उनको निकाल लेना, ये सब चीज़ें क्या कर रही है, हमारे पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुँचा रही है। पृथ्वी की जो लेयर होती हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषित कर रहा है। जो भी फैक्ट्रियां होती है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है, केमिकल से भरा हुआ वो धुआं, वो क्या कर रहा है, हमारे वायु को अर्थात हवा को प्रदूषित कर रहा है। घर
घर में सुख सुविधाओं की वस्तु में एयर कंडीशनर होते हैं। आज हर जगह हम देखते हैं सबके घरों में गाड़ियों में एयर कंडीशनर होते हैं। वे बाहर के वातावरण में तापमान को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी हमें तो घर के अंदर ठंडा लगता है एसी होने से, लेकिन बाहर का वातावरण इसके कारण ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जो भी प्रकार हमने अभी देखे वे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। ऊपर हमने जितनी चीज़ें देखी जैसे जंगल को काटना, प्रकृति के गर्भ के अंदर जितनी चीज़ें उनका दोहन करना, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रसायन, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। मनुष्य को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब ये समय आ गया है कि हम इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचे, इसके ऊपर जो है ध्यान दे, विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, साफ सफाई। अब साफ सफाई यानी क्या, हम गंदगी जहाँ तहाँ फैला देते, गंदगी से जो है वायु प्रदूषण होता है ना, तो साफ सफाई पर ध्यान दें। पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें जिससे कि हम वायु प्रदूषण से को दूर रख सकें। प्लास्टिक पर पाबंदी, क्योंकि प्लास्टिक का विघटन नहीं होता, कई सदियां बीत जाती है लेकिन जो है प्लास्टिक ज्यों का त्यों बना रहता है, इसका विघटन नहीं होता, तो इस पर पाबंदी लगाएं, इसका उपयोग कम करें। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं पर पाबंदी लगाएं और रसायनों और रासायनिक पानी को जल स्रोतों में मिलने से रोकना चाहिए। यानी जो भी फैक्ट्री से रसायनयुक्त पानी निकलता है वो कहाँ जाकर मिल जाता है, सीधे नदियों में, तालाबों में या फिर समुद्र में, तो उसको भी हमें जल में मिलने से रोकना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन ही हमारा जीवन है। मनुष्य का जीवन क्या है, पर्यावरण का संतुलन। कहने का मतलब है अगर पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा तो मनुष्य का जीवन बना रहेगा, और हमें अपना जीवन बचाने से उसे स्वस्थ व सुरक्षित बनाने के लिए पर्यावरण के महत्व को समझना ही होगा। यानी अगर हमको हमारा जीवन बचाना है और उसे स्वस्थ रखना है, उसे यानी किसी अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, सुरक्षित बनाए रखना है, तो हमको इस पर्यावरण के महत्व को समझना ही होगा। छोटे छोटे बदलाव लाकर हम इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। यानी हम शुरुआत अपने से करें और छोटे छोटे बदलाव हम अपने ही अंदर ले आए तो हम पर्यावरण के संतुलन में सहयोग दे सकते हैं और पर्यावरण को संतुलित रख सकते हैं। तभी हम अपना जीवन अच्छे से जीकर आगे आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा जीवन दे पाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम पर्यावरण के ऊपर ध्यान देंगे, उसकी स्वच्छता के ऊपर ध्यान देंगे, उसके संतुलन पर ध्यान देंगे, तो हम अपना जीवन तो अच्छे से जिएंगे ही, हम आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। क्योंकि आज हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, और इतनी अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ें बचने भी वाली है या नहीं, और उनका जीवन कैसा होगा इस बारे में हम विचार नहीं कर रहे थे, हमें उसके ऊपर विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। तो विद्यार्थियों, अभी आपको पर्यावरण का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है ये समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।